नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे हम साइंस मैथ जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ है कल, उसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, एग्जाम मैंने खुद ने दिया है तो उसके बेस पर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ। आसपास के जो जिस हिसाब से लग रहा है उसके हिसाब से आप भी अपने जो नंबर आपके बच रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन या नंबर, वो कमेंट जरूर करें विथ कैटेगरी कि आप कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी जनरल वगैरह जिस भी कैटेगरी से हो आप, वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो बात एग्जाम रिव्यू की करें, मैंने खुद ने दिया है उसके बेस पर बता देता हूँ कि जीके इजी था। ठीक है, जीके क्या था, इजी था और कुछ क्वेश्चन थे वो थोड़े से इस हिसाब के थे जैसे वो कुछ जो मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए थे, राजस्थानी भाषा में, जिसमें कवियों के बारे में या साहित्यकारों में पूछा हुआ था वो क्वेश्चन। एक वो रूंग सतसई वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या थोड़े से ऊपर ज्यादा ही लेवल के थे, हो सकता है वो बहुत कम स्टूडेंट को आए हो। तो कुल मिला के जीके इजी था और जो क्वेश्चन अजीब थे वो शायद सबके लिए अजीब थे क्योंकि वो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले किसी को नहीं आ रहे थे वो। ठीक है, तो जीके हम इजी लेवल में ले सकते हैं और जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड उसको हम इजी हार्ड में तो डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन कन्फ्यूजिंग मान सकते हैं। ठीक है, वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग थे, ऑप्शन ज्यादा एक से ज्यादा भी सही लग रहे थे, जैसे वो संज्ञानात्मक वाला है या फिर जो भी है उनमें देख लो। बाकी जो साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी इजी लेवल की थी, साइकोलॉजी में इतना क्या आपको मतलब जोर नहीं आ रहा था, इतना हार्ड नहीं था साइकोलॉजी। टीचिंग कन्फ्यूजिंग थी, इजी हार्ड में डिवाइड नहीं कर पाएंगे उसको। सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस में दोनों में थोड़ी सी क्या समानता या तुलना जो है बैलेंस जो है बराबर करने की कोशिश की गई है और दोनों का लेवल ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल के थे। कुछ क्वेश्चन इजी थे वो तो सब में आते हैं लेकिन कुछ का लेवल बहुत अच्छा था। तो कुल मिला के ये था कि पेपर मॉडरेट टाइप का था, पूरा इजी नहीं मान सकते हम। तो सेफ स्कोर की बात करें और मैं मेरा बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने क्या सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी पिछले एक डेढ़ साल से, तो 29 जनवरी तक तो मैं सेकंड ग्रेड में लगा था मैथ में। ठीक है, फिर 1 फरवरी से मैंने तैयारी स्टार्ट की और बीच में 4 दिन संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में चले गए 12 से 15 तक, और लास्ट में जो लगभग 20 दिन की तैयारी थी बाकी सब पिछले जो नॉलेज है उसके बेस पर गया था। तो मेरा जो जो अभी फर्स्ट जो आंसर किया जो कोचिंग की लक्ष्य वगैरह किया ये उससे मिलाने के बाद में मेरे 115 अटेम्प्ट हुए। ठीक है, उसमें से मेरे 108 सही हो रहे हैं और 7 गलत हो रहे हैं। फिलहाल जो है वर्तमान में जो ये स्कोर है, अब जो और बाकी आंसर की आती है उसके हिसाब से क्या होता है, मैंने डाउट वाले को भी गलत मान लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डाउटफुल थे, एक दो क्वेश्चन लक्ष्य की जो आई है आंसर की उसमें उनको भी मैंने गलत में मान लिया। तो कुल मिला के ये 210 के या 211 के आसपास स्कोर रह रहा है मेरा। मात्र मैंने क्या लास्ट के 20 दिन पढ़े थे सेकंड ग्रेड में जो है मैथ में, मेरा क्या जो 29 जनवरी को जीके का पेपर था उसके बाद में स्टार्ट किया था। हालांकि जीके क्या दोनों में मैथ्स था 50%, बाकी साइंस वगैरह ये नहीं थी। तो कुल मिला के पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट था। अब हम सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से या जो आसपास मैंने जो प्रॉपर तैयारी कर रहे थे रीट के उनसे पूछने के हिसाब से ये लग रहा है कि 190 से आपकी रेस स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जनरल की या फिर हम ओबीसी की बात करें, बाकी आप महिला की कम कर सकते हो। ठीक है, महिला की कम कर सकते हो, बाकी आप जो एसटीएससी कैटेगरी या एमबीसी कैटेगरी उनकी आपको पता ही है, बाकी जो जनरल के हिसाब से कितनी कम रहती है उस हिसाब से कम कर सकते हो। तो 190 से आपकी क्या है रेस स्टार्ट है। ठीक है, कन्फर्म तो नहीं कह सकते कि यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा 190 से ऊपर, पर यहाँ से रेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो भी 200 से 210 के बीच में जनरल में, जनरल की बता रहा हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह एसटीएससी महिला वगैरह आप उसके हिसाब से देख लेना, तो यहाँ से मेरे को लगता है सेफ जोन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से सेफ जोन स्टार्ट हो रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप सभी अपने कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सेफ स्कोर रह रहा है आपके आसपास, आपको क्या लगता है कि कितना रह सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप क्या सेफ जोन स्टार्ट हो रहा है 200 से 210 के बीच में, और जो 190 से यहाँ पर रेस्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 200 से ऊपर वालों का होगा, 190 तक भी आ सकता है अगर पेपर अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ी ना हुई हो या फिर क्या ज़्यादा मतलब बाहर ना निकला हो या निकला ही ना हो, तो उस हिसाब से नीचे भी आ सकता है क्योंकि पेपर का लेवल इतना ईजी नहीं था। क्योंकि इजी होता तो भी देखो जिसने प्रॉपर तैयारी कर रखी है उसके लिए थोड़ा सा क्या है प्रेशर वाली भी कंडीशन है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत लंबा चल रहा है, 4 साल से रघुकुल रीत है ये सदा से चली आई है, तो 4 साल से चली आई है, किसी ने अगर पूरी जो ताकत इसी में झोंक रखी थी तो उसको थोड़ा प्रेशर फील हुआ। मैथ वाले को बायो में हुआ, बायो वालों को मैथ में फील हुआ। तो इस हिसाब से कुल मिला के पेपर 200 से 210 वाला सेफ जोन में हो सकता है, 190 से आपकी रेस स्टार्ट हो सकती है। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, महिला की आप देख सकते हो, अगर लड़कियों की बात करें तो जो 190 या 185 से ऊपर है उनकी क्या है रेस स्टार्ट है, और 190 195 क्रॉस है वो लगभग 100% है, और हो सकता है उससे भी थोड़ी सी 180 से ही रेस स्टार्ट हो जाए। तो कुल मिला के यही है, बाकी कैटेगरी के आप देख सकते हो इसके हिसाब से इसके बेस पर, क्योंकि लेवल नहीं, पेपर का लेवल ठीक था, मतलब कुछ चीजें इजी थी कुछ हार्ड थी और कुछ ठीक थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम इजी था पेपर। तो कुल मिला के ये सेफ जोन रहना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गाइड कर सकते हो क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ तो आप अच्छे से बता सकते हो। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।